हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिकाएँ बहुत सारी कीमती औषधियों से भरी पड़ी हैं और उनमें जो विभिन्न प्रकार के रोगों को दूर करने की क्षमता है वो अद्भुत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी ही एक अद्भुत मेडिसिन के बारे में और इसका नाम है बोरेक्स। बोरेक्स जिसे सुहागा भी कहा जाता है और ये होम्योपैथी में जब यूज़ की गई तो पाया गया कि बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल मेडिसिन है। तो चलिए जानते हैं इसके पांच बहुत ही महत्वपूर्ण यूजेस कि किन रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। बोरेक्स का इस्तेमाल बहुत सारे रोगों में किया जाता है जिसमें से हम पहला यूज़ देख लेते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है और ये है कि यदि आपके बाल ड्राई हैं, रूखे हैं और आखिरी में जब बाल होते हैं उसके जो लास्ट वाले पॉइंट्स हैं वो अगर आपस में गुथ जाते हैं और उसमें कंघी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो इस सिचुएशन के लिए ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही वंडरफुल है। बोरेक्स 30 का इस्तेमाल ऐसे बालों में किया जाता है जो लास्ट में गुथ जाते हैं और उनको काटने के बाद थोड़े समय के बाद में फिर से वैसी स्थिति हो जाती है, बहुत ज़्यादा रूखे बाल होते हैं। तो इसमें बोरेक्स 30 का इस्तेमाल करें, दिन में 3 बार करें, थोड़े लंबे समय तक करें तो इसमें आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। दूसरा जो यूज़ देख लेते हैं कि कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि उनमें यूरिन के लिए बार बार जाते हैं और जब जाते हैं तो बहुत तेज़ी से रोते भी हैं, तो यूरिन पास करते समय क्योंकि उनको दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है तो इस समय बोरेक्स 200 पोटेंसी का इस्तेमाल दिन में 2 बार किया जाए तो बच्चों को इस समस्या से राहत मिल सकती है। तीसरा जो इस्तेमाल मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आम समस्या है और कई बार हम आप इसे सफ़र करते हैं, ये है छालों की समस्या। यदि आपको मुंह में बार बार छाले होते हैं, चाहे वो जीभ में होते हों या ओठों के अंदर वाले साइड में होते हों, गालों के अंदर वाले साइड में होते हों और ये बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, जब आप कुछ खाते हैं तो हो सकता है इसमें से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोग जिनमें कि जो कि ओल्ड एज होते हैं जिनमें प्लेट्स जो टीथ की यानी दांतों का काम करते समय टीथ प्लेट लगाई जाती है उसकी वजह से उनको बार बार छाले हो रहे हों और उसमें थोड़ा सा भी अगर नमकीन या फिर खट्टी चीज़ें होती हैं वो अगर टच हो जाए वो उनको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन क्रिएट करती हैं, तो यहाँ पर भी बोरेक्स 30 का इस्तेमाल दिन में 3 बार बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है और कई रोगियों को इससे फ़ायदा पहुँचाया है। तो ये था इसका तीसरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यूज़। चौथे यूज़ की तरफ देखते हैं और महिलाओं में इसकी जो ल्यूकोरिया में यानी कि श्वेत प्रदर को दूर करने की अद्भुत क्षमता है। कई महिलाओं को ऐसा होता है कि श्वेत प्रदर होता है 2 पीरियड्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है और इसमें उनको ऐसा महसूस होता है कि उनका जो ल्यूकोरिया या श्वेत प्रदर है वो एल्ब्यूमिनस है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कि सफ़ेद अंडे का सफ़ेद वाला पार्ट होता है, स्टार्ची होता है यानी कि अगर वो सूख जाए तो स्टार्च जैसा सफ़ेद सफ़ेद होता है, तो वो इस तरह का अपीयरेंस हो और जब वो फ्लो होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे गर्म पानी बह रहा है। तो इतनी गर्माहट के साथ में अगर जो है ल्यूकोरिया हो 2 पीरियड्स के बीच में हो तो यहाँ पर बोरेक्स 30 का इस्तेमाल लगातार करें तो इससे इसमें डेफिनेटली फ़ायदा होता है। अब पांचवा जो यूज़ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि वो झूले में नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि झूले का जो डाउनवर्ड मोशन होता है या नीचे की तरफ आने वाला मोशन होता है वो उनके लिए अनबियरेबल होता है, एक तरह से उनको डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, चाहे लिफ्ट में से नीचे आना हो, सीढ़ियाँ चढ़ के रैपिडली नीचे आना हो या कोई ढलान वाली जगह है, चाहे वो सड़क ही क्यों ना हो और स्टीप स्लोप है तो वहाँ पर से आने में उनको बहुत डर लगता है और वो इसको अवॉइड करते रहते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है छोटे बच्चे हैं उनको ऊपर गोदी में लिया जाए और नीचे की तरफ तेज़ी से लाया जाए तो वो भी बहुत भयभीत होते हैं, थोड़ा सा नॉइज़ हो जाए, आवाज़ हो जाए तो बच्चे एकदम चौंक करके उठ बैठते हैं। तो इन सारी सिचुएशन में बोरेक्स का जो रोल है वो बहुत ही अच्छा है, डायनेमिक लेवल पर वर्क करती है और इसकी बोरेक्स 200 की एक खुराक हफ्ते में 1 बार दी जाए तो थोड़े समय में ये धीमे धीमे करके दर्द दूर हो जो डर होता है वो दूर हो जाता है।
तो देखा आपने कि पोरेक्स जो है वो कितनी उपयोगी मेडिसिन है और कैसे लाइफ सिचुएशन जो छोटी मोटी होती हैं या रोग होते हैं तो उनमें कितने अच्छे से काम करती है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और यदि आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्रॉनिक डिजीज़ में होम्योपैथी का रोल बहुत अच्छा है। सालों चलने वाला जो एक्जिमा होता है या फिर कोई पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम होती है जो लगातार हो, जैसे क्रॉनिक डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर वॉट्स की प्रॉब्लम है जो लगातार कई सालों से है और उसको रिमूवल के बाद में फिर से हो जाते हैं, क्रॉनिक पाइल्स की शिकायत है जो कि कई लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, तो इन सारे रोगों में होम्योपैथी से इलाज कराना काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। ये विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स आपको इन समस्याओं से राहत दिलाने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इसी के साथ स्टे हेल्दी विद होम्योपैथी। थैंक यू। होम्योपैथी होम किट यूजफुल फॉर डे टू डे लाइफ हेल्थ इश्यूज। फॉर मोर डिटेल्स चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।